परेशान मत हो, मत हो परेशान। गुड्डू ठीक हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रही हो, जरा सी बात है। तुम बैठो, आराम करो। मैं एक मिनट नौरीन को बता दूं, उसका फोन आ था। बैठो बैठो, तुम बैठो। दिमाग तो ठीक है नौरीन तुम्हारा, मैं इस हालत में अपनी बहन को छोड़कर कैसे आ सकता हूँ, जबकि इस वक्त वो बिल्कुल अकेली है। अकेली कहाँ है वो, वहाँ ही बात है। किससे बात की बात कर रही हो, उसने ना मेरी तरफ देखा और ना आपकी तरफ, तोते की तरह आंखें फेल रही हैं उससे। और देखे भी क्यों, कौन सा रिश्ता बचा है उसके साथ? क्यों नहीं रह गया बाकी, जब तक गुड्डू है नायाब उसकी माँ है और इबाद उसका बाप है, ये रिश्ता कभी भी खत्म नहीं हो सकता। क्या कह रही हो, क्या कह रही हो तुम, मुझे कुछ समझ में नहीं यार। तुम बस दुआ करो, अल्लाह गुड्डू को सेहत दे, उसकी हालत ठीक नहीं है। दुआ कर रही हूँ मैं, अल्लाह ताला उसको शिफा दे, जिंदगी दे। इसीलिए आपको समझा रही हूँ कि आप घर वापस आ जाए, सुबह फिर चले जाइएगा उनकी खबर लेने। तुम सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन ऐसी हालत में नायाब क्या सोचेगी? इस वक्त वो कुछ भी नहीं सोचेगी, आपको कह रही हूँ ना, कल दिन में आ जाइएगा, पता करने के लिए क्या मसला है इसमें, समझा करें, किसी वजह से कह रही हूँ आपको। अच्छा मैं देखता हूँ यार। चुड़ैल को किसने बुला ली, मना भी किया था, पीछा नहीं छोड़ती मेरे बच्चे का। डॉक्टर ड्रामे जो कर रहा था, माँ को ना बुलाया तो बच्चा मर जाएगा, जाहिर है इबाद ने ही बुलाया होगा। अरे तू ही कुछ शर्म कर ले बेशरम औरत, मेरा बेटा तलाक दे चुका है तुम्हें, उसी की लाज रख ले, खुदा का कहर पड़ेगा तुम पे। आप पर तो नहीं टूटा कहर, हाँ आप लोगों पर नहीं टूटा, जिन्होंने इतनी पाकबाज बीवी पर इतना बड़ा बोहतान लगाया, सबसे पहले तो आप लोगों पर अल्लाह का कहर नाज़िल होगा। अरे बड़ी पाकबाज बीवी, ये जो जुल्फें खोल के अस्पताल में बैठी हुई है फैशन करके, तो जानती हो अच्छी तरह से। और तू यहाँ क्यों बैठी है, निकल, नहीं जाऊंगी मैं, अपने बच्चे को लिए बगैर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। आप क्या, सारी दुनिया की ताकत भी आ जाए ना, मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती। घर से तो निकाल दिया ना मुझे, यहाँ से निकाल कर दिखाए तो मैं मानू, निकाले। इतनी बदतमीजी कर रही है तू मेरी माँ के साथ, खुदा का वास्ते बस कर दे लड़ना। हर जगह तमाशा लगाना जरूरी नहीं होता। मैं तमाशा लगा रही, अरे इसको देखो जरा, कैसे सुर्खी पाउडर लगा के आकर बैठी हुई है अस्पताल में, तमाशा तो ये लगा रही है। मम्मी बस कर दे, मेरा बेटा वहां जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, पर आप लोगों को यहां लड़ाई करने से फुर्सत नहीं। अगर आप दोनों ने झगड़ा करना है ना, तो हॉस्पिटल से बाहर चले जाए। मुझे कह रहे तो अपनी माँ को कह रहा है बाहर जाने को। आप दोनों से कह रहा हूं, अगर आप दोनों ने यूं ही लड़ाई झगड़ा करना है तो चले जाए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला रह लूंगा। मर न गई है सुनने से, मर क्यों नहीं गई? बैठे आप यहाँ पे, ये देख तो सही क्या बोल दिया इसने माँ को, सब इसकी वजह से।